किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। चले चले तो जो हम अचीव करना चाहते थे कर लिया। थैंक यू दानियाल, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है कि आज मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने के लायक हूं। एनी प्लीज, मैं इस किस्म की फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता और अभी तो वैसे भी तुम्हें बहुत कुछ करना है, किस किस बात का शुक्रिया अदा करोगी? पहली बार मुझे कोई समझा है, हौसला बने हो तुम मेरे, सहारा बने हो, थैंक यू तो करना बनता है, बल्कि बार बार करना बनता है। मैंने कहा ना कि मैं इन फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता, मेरा बहुत सिंपल उसूल है लाइफ का, दोस्तों का दोस्त हूं, उनके लिए कुछ भी कर लेते हैं। तुमसे दोस्ती की है साथ तो निभाना पड़ेगा और आखिरी दम तक निभाऊंगा। तुम बस अब रिलैक्स करो। रिलैक्स? रिलैक्स तो अब मैं उस बली को जेल की सलाखों के पीछे देखकर होगी, बल्कि पार्टी होगी अब। हाँ तो एक काम करो ना, पार्टी का इंतजाम कर लो, क्योंकि वली तो कुछ देर के बाद जेल की सलाखों के पीछे होगा। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं और तुम अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पे चले। मुझे बताओ कहाँ खाना खाना पसंद करोगी? What would you like to have? नहीं नहीं, I don't think it's such a good idea. पता है आज सबके सामने इतना तमाशा हुआ है। I would like to stay home. कुछ घर में ही ऑर्डर कर लेंगे। This is a wonderful idea. Actually, मैं भी जरा इंट्रोवर्ट सा इंसान हूँ, ज्यादा लोगों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा है, इकट्ठे बैठेंगे। किसकी कॉल आ रही? कुछ नहीं, मम्मी की कॉल है, लेकिन अभी मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। देखो इनी, शायद मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दिस इज योर पर्सनल मैटर, लेकिन वो माँ है तुम्हारी, बचपन से आज तक उन्होंने तुम्हारा ख्याल किया है, अच्छी तरबियत की है। आई डोंट थिंक तुम्हें छोटी सी बात पर उनसे नाराज होकर उनकी कॉल नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक तुम्हें बात करनी चाहिए। फिकरमंद? वो मेरे बारे में फिकरमंद नहीं होती, उन्हें सिर्फ बनी की परवाह है। अच्छा खैर, चल आज हमने कुछ अचीव किया है इसलिए मूड खराब नहीं करेंगे। लेट्स हैव आइसक्रीम, व्हाट डू यू से? व्हाई नॉट, चल आइसक्रीम इट इज। दानियाल नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? उसका फोन आया था, कह रहा था कि मैं लेट आऊंगा। लेकिन वो तो आज ऑफिस भी नहीं गया, कहाँ चला गया वो? उसके दोस्त का कोई इशू है, उसमें बिजी है। खाना किसने बनाया आज? आपको पसंद नहीं आया ना? मुझे पता था आपको ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसे खाने नहीं बनते। लेकिन मेरी यहाँ सुनता कौन है, सब अपनी मनमानी करते हैं। मेरी पूरी बात तो सुन ले आप, कब कहा मैंने कि खाना अच्छा नहीं है? खाना बहुत मजे का है, किसने बनाया? भूषण, आज का खाना आपकी बहू बिया ने बनाया, इतना मजे का है ना, उन्होंने खास तौर से आपकी पसंद का ख्याल रखा। ये तो बहुत अच्छी बात है,
तुम्हारी बहू को खाना पकाने में दिलचस्पी है, बहुत मजे का खाना पकाया। शुक्रिया। जीती रहो, जीती रहो। बोले तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम क्यों चुप हो? बिल्कुल ठीक हूं मैं। बड़े साहब बाहर पुलिस आई है। पुलिस क्यों? वली साहब के वारंट गिरफ्तारी भी हैं और वो घर की तलाशी भी लेना चाहते हैं। क्या उन्हें कहो वली आ रहा है। रुको वली, तुम बाहर नहीं जाओ, मैं जाके देखता हूं। मैं उनसे बात करके आता हूं, तब तक सब लोग यहीं पर रहे। सर उम्मीद है कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। सुना है कि मेरे भतीजे के अरेस्ट वारंट लेकर आए हो, इतने बड़े हो गए तुम? माजरा चाहता हूँ सर, मजबूरी थी, ऊपर से सख्त ऑर्डर आए हैं, वली साहब को अपने साथ लेकर ही जाना होगा। ऐसा क्या कर दिया वली ने जो नौबत यहां तक आ गई कि तुम बगैर बताए यहां पे चले आए हो? जानते हो ना मेरा एक फोन तुम्हारी पेटी उतरवा सकता है। बात दरअसल ये है सर, आपकी बार कौन सा कारनामा अंजाम दिया है वली, जो बाप दादा का शिमला ऊंचा करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आ गई? कम से कम किसी गरीब यतीम लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश नहीं की मैंने चाची। आपने जो कुछ सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, किया है मैंने, मानता हूं मैं, लेकिन जो कुछ किया है ना वली ने अपने खानदान की इज्जत और गैरत के लिए किया है। अपनी उल्टी सीधी हरकतों को गैरत का लिबादा मत दो। पुलिस ऐसे ही तो वारंट गिरफ्तारी के लिए यहां नहीं पहुंची है। अभी हमारे खानदान को इतना पूरा वक्त नहीं आया कि पुलिस हमारे घर से हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर सके। बलि मेरे साथ आओ। ये भी छोटा सा घर है एक मेरे पास, कभी कभी सुकून लेना हो तो यहीं आ जाता हूं। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में दाखिल हो तो क्या जहन में आता है? तुम बताओ क्या आता है? यही कि इस घर के मालिक का बहुत आला शौक है, बहुत आर्टिस्टिक और आर्टिकुलेट है। थैंक यू सो मच, लेकिन आर्टिस्ट हूं इसलिए आर्ट की कदर करता हूं। आप वो वली की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, उसे तो लॉकअप में होना चाहिए था ना? देखो एनी इन मामलात में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो चलती रहती है, थोड़ा इंतजार करो सब काम हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। शो हाँ बोलो टोनी। एनी ये जो कल तुम पागलपन कर चुकी हो ना
प्रोड्यूसर अपनी एडवांस की रकम वापस मांग रहा है। मुझे इसका एडवांस चेक चाहिए भी नहीं, कल उठा लेना मेरे घर से। और जो जगह पे तुम रह रही हो वो भी तुम्हें अब खाली करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मैं फ्लैट क्यों खाली करूं? उसमें मैंने अपनी रकम लगा के खुद रेनोवेशन कराई है। उसके पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन जगह तो तुम्हें कल हर हालत में खाली ही करनी पड़ेगी। टोनी, टोनी, इट्स ओवर। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? हाँ, वो मुझे सुबह तक घर खाली करना है, वरना वो मेरा सामान फेंक देंगे। वो उसी प्रोड्यूसर के घर में रह रही थी ना, इसलिए। Oh my God, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं उस बदतमीज प्रोड्यूसर की टांगे। I will deal with him later. अभी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना है हमें, और उसका सोल्यूशन है मेरे पास। ये घर तो खाली रहता है। Why don't you come over here? नहीं नहीं नहीं, I don't want to give you any problem. अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? Please come, make yourself comfortable, बैठो। अब तुम्हें यहीं रहना बस। Are you sure? तुम्हारी फैमिली क्या कहेगी? उन्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में पता ही नहीं। मैंने बताया था ना, यहाँ सुकून हासिल करने के लिए आप। अगर उन्हें बता देता तो डिस्टर्ब करते। सो टॉप सीक्रेट है ये। एक काम करता हूँ, कल किसी से कहकर तुम्हारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा देता हूँ। भाई तुमसे दोस्ती की है, तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया, बीच रास्ते में छोड़ूंगा तुम्हें, है ना? थैंक यू सो मच दानिया। यू वेलकम। अच्छा मुझे बताओ क्या पियोगी, कॉफी या टी? लेमनेड। गुड चॉइस, चलो आओ, आओ पिला दूँ तुम्हें, कम। आखिर छोड़ क्यों नहीं देते तुम इन बाजारी औरतों का पीछा? पहले तुम्हारा बाप कम था क्या, जब तुम भी उसी के नक्शे कदम पे चल पड़े हो? खुदा के लिए, तुम्हारी मां की हरकतों की वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि आज मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है उस SHO के सामने? मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसके लिए माजरत चाहता हूं चाचा। क्या माजरत चाहते हो तुम? तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितने बड़े खानदान के चश्मोचराग हो, और ये क्या हरकत की है तुमने? प्रेस क्लब जाके तुमने वहां तोड़फोड़ कर दिए, और वो खबरें चला रहे हैं अपने चैनल पे। उन्हें तो इतनी सी खबर चाहिए होती है। सारी इज्जत हमारे खानदान की खाक में मिला दी है तुमने। जी मेरा मसला है चाचा, मैं संभाल लूंगा। अब ये तुम्हारा मसला नहीं है, FIR कट चुकी है, अब पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है। यही मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूं अकबर हुसैन, लेकिन खैर अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम अब घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। लेकिन अगर मगर कुछ नहीं है, मैंने कहा ना कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे, तो नहीं निकालोगे। तो क्या चाहते हैं आप चाचा? क्या करूं मैं, बताइए। पूरे जमाने के सामने अपने खानदान की इज्जत का जनाजा निकल ले तू? नहीं चाचा, हरगिज़ नहीं। उस छटांग भर लड़की से डर कर घर में नहीं छुपेगा वली, बता रहा हूं मैं आपको। उसी छटांग भर लड़की की वजह से आज FIR कटी है तुम पर, हमारे खानदान पर उंगलियां उठ रही हैं, सर झुक गए हमारे, और तुम्हें अपनी नाक की पड़ी हुई है। पहले खानदान की इज्जत बचाओ, तुम्हारी नाक खुद ब खुद बच जाएगी। तो
तुम्हारे चाचा जान बिल्कुल सही कह रहे हैं वली, जो उन्होंने कहा है वही करो। तो समझी थी कोई छोटी मोटी बात होगी, यहां तो खानदानी वकार की लुटिया ही डुबो दी है वली ने। सबके सामने सारे देख रहे थे, लोगों को जान से मारने की धमकियां तक उसने दी थी, फिर भी ऐसे कैसे? एनी एनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। देखो हमने पहला स्टेप ले लिया है ना, एफआईआर कटवा दी है, ज्यादा देर बच नहीं पाएगा वो। नहीं दानियाल, वो अपनी ताकत के जोर पे जीत गया है और उसने मुझे हरा दिया है। एनी मुझे लग रहा है दैट यू जस्ट ओवरथिंकिंग। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत चालाक है, एन वक्त पे कुछ ना कुछ करके वो निकल जाएगा। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है। किस चीज की? किसी बहुत ही एक्सोटिक जगह पर वेकेशंस पे जाना चाहिए तुम्हें, और मुझ जैसे पार्टनर के साथ जाना चाहिए। तुम्हें सुकून चाहिए, आराम चाहिए। And trust me, मुझसे अच्छा पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम वेकेशंस पे चलते हैं। And I'm sure, हम वहां जाकर समझ जाएंगे कि हमारी जंग में हमारी जीत कैसे होगी। हमारी जंग? हाँ, अभी हमारी जंग ही तो है। तुम्हारा साथ देने का वादा कर लिया है मैंने, तो तुम्हारी हर जंग मेरी जंग है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वली, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालात का तकाजा यही है कि तुम कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाओ। क्या मतलब माँ? कहना क्या चाहती हैं आप? डर जाए वली, चुप के घर के अंदर बैठ जाओ माँ। बताइए आप क्या करो। यह काम कीजिए, ये रहा मैं, चूड़ियां पहना दीजिए मुझे, ताकि जमाने को खुल के मुझ पे हंसने का मौका तो मिले। वली, हालात को समझने की कोशिश करो बेटा। वो लड़की किसी के इशारों पर नाच रही है, तुम्हारा कोई दुश्मन उसे इस्तेमाल कर रहा है, और अगर तुम बाज नहीं आए तो हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा दे। मार देंगे मुझे, मार दे मुझे, मरने से ना डरता हूं ना परवाह है मुझे माँ। लेकिन एक बात आपको बता दूं माँ, ये बात अब जिद और अना से आगे निकल चुकी है, मेरा पीछे हटना मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारे जो जी में आए करो, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत ही नहीं, कोई वक्त ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों तुमसे आस लगा के बैठी हुई हूं? मैं ही गलत, तुम बिल्कुल सही हो। मां, 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 ऐसा कुछ मेरी बात Oh, 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 oh
कभी कभार बड़ों की इज्जत रखने के लिए उनकी बात मान लेनी चाहिए। इससे आपका कद छोटा नहीं हो जाएगा, बस उनका मान रह जाएगा। सूरत हाल का अंदाजा नहीं है ना तुम्हें भैया? तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे साथ क्या बीती है, मेरे साथ जो हुआ है ना। नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगा, मैं बता रहा हूं, कभी भी नहीं। पहले मैं पीछे हटने को कहां कह रही हूं, बस कुछ दिन खामोश हो जाए ना। कहां से आ रही हो? इस वक्त कहां से आ रही हो? कहीं से नहीं, घर पे थी। झूठ, चेहरा दिखाओ अपना। अरे ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। वली के कमरे में गई हुई थी ना, रात के इस पहर जब तुम्हारा शौर्य इर्द गिर्द नहीं है तो इसका फायदा उठा रही थी, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं? मैं गलत शक नहीं कर रहा हूं तुम पे, शौहर हूं तुम्हारा। अब तो तुम्हें समझने लग गया हूं, इसलिए मेरे सामने सही को गलत और गलत को सही साबित करना छोड़ दो भैया, वरना जैसे मेरी गैरत जाग गई ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब एक अच्छी बीवी की तरह जाओ और सामान पैक करो अपने शौहर का, इस्लामाबाद की फ्लाइट है कल मेरी। लें जी, आपकी बेटी आ गई। बना दो। वैसे कल जो आपके भतीजे ने गुल खिलाया है ना, उसके बाद आपकी खामोशी मुझे बड़ी खल रही है। आपको उसे रोकना चाहिए था, टोकना चाहिए था, उल्टा आप उसका साथ दे रहे। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे रोकने के लिए मुझे क्या सलूक करना चाहिए था? मेरे ख्याल में तो आपको उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। दो चार दिन हवालात में रहता तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाता, अब तो उसे और शहर मिल गई है। नरमीन बेगम, यही फर्क होता है एक मर्द और औरत की सोच में। मैं घरेलू साजिश को जेन में रखकर अपने खानदान की बका के फैसले नहीं ले सकता। और जो आपके भतीजे ने कल खानदान की धज्जियां उड़ाई हैं और आप यहां बैठकर हिकमत अमली पर रोशनी डाल रहे हैं, जवान खून है, अगर उसे कुछ ऐसा वैसा कहता तो वो कुछ उल्टा सीधा ना कर देता। मेरी चीजों के फैसले मुझे अपने अंदाज से करने दो। पहले सर आप न्यूज तो देखें, क्या आपके खानदान का वकार बुलंद किया है आपके भतीजे ने? देखिए, और एक अहम खबर शामिल करेंगे। वली असवंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई है।
और एक आम खबर शामिल करते हैं, बड़ी अस्पताल अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल की रिजेक्ट कर दी गई। बार बार क्यों फोन कर रही हैं? भैया, भैया मेरी बच्ची मुझसे बात कर, कैसी है तू? ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और कुछ? इस तरह से क्यों बात कर रही है मुझसे? मुझे खैर क्यों कर दिया तूने? बड़े खानदानों की बहुएं इसी तरह तलख लहजे में बात करती। अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे फोन मत किया करें। कब तक अपनी माँ को सजा देती रहेगी भैया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि दानियाल इतना घटिया, इतना दोगला होगा। मैं उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं कराची आकर मैं तुझे तलाक दिलवा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत ही घटिया और लालची किस्म का इंसान, लेकिन आपसे कम हूं। शर्म नहीं आती आपको? मेरी बीवी को मेरे खिलाफ बरगला रही हैं आप। आज के बाद अगर आपने पिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई आप? ओके आंटी, ख्याल रखिएगा। बाय बाय। क्या यार, आंटी भी ना ऐसे ही हर वक्त मुझसे नाराज रहती हैं। ये लो। आज के बाद तुमने अपनी मां से बात करने की कोशिश नहीं करनी, समझ गई ना तुम? ना इस नंबर से, ना किसी और नंबर से। ओके भैया, गुड। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? बहुत जबान लग गई है तुम्हें। टन 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 बिया, पता है तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी मां का कत्ल करवाने में। लेकिन सुनो, लेट मी गिव यू अ फेयर चांस। सब तुम्हारे हाथ में, तुमने फैसला करना। चाहो तो अपनी मां को बचा लो, चाहो तो अपनी अना को बचा लो, समझ गई? वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपनी जिद का बहुत पक्का, इसलिए अगर ज्यादा तंग किया ना मुझे तो मरवा दूंगा तुम्हारी मां को। ओके, चलो शाबाश, अपना काम करो। कपड़े भी सही से नहीं तुम्हें तय करने आ। ओह, तो अब तुम कत्लो गारत पे उतर आए हो। आप देख रहे हैं भैया को, मैं इतनी कोशिश करूं, मेरा बैग तक नहीं बना सकती है ये। आप मुझे बताइए, आपको अंदाजा नहीं है मुझे कितना गुस्सा चढ़ाती है, इसलिए बस बोलना पड़ता है ये सब। साने का ये मतलब नहीं है कि तुम मरने मारने पे उतर आओ। खानदानी इकदार का एहसास है कि नहीं तुम्हें? I'm sorry बाबा, I know I went overboard. I'm really sorry, मैं दोबारा नहीं करूंगा। और ये सारी रात कहां गायब रहे हो? घर में क्या हो रहा है, कुछ खबर है या नहीं है? शायद आपको खबर नहीं है, पूरे शहर में जो आपके लाडले भतीजे ने कुल खिलाया ना, उसका डंडोरा पीटा जा रहा।
ये बात हमारे खानदान के लिए रुसवाई का सबब बन रही है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा ना, मेरे लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग हो गया है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया, मेरे फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन ही सिर्फ इस बात की हो रही है, उनको पता है सब, नाक कट गई है खानदान की, लेकिन क्या कर सकते हैं। नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मिश्रा, हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। लेकिन क्या करेंगे बाबा, तूफान आया हुआ है मीडिया में, बहुत एक्टिव है वो, हम इस सिचुएशन में तो चुप ही रह सकते हैं। मीडिया की तुम फिक्र नहीं करो, मीडिया को मैं खुद देख लूंगा, मीडिया मालकान से मैं जाती तौर पे मिलूंगा, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। कहां बाबा, मैं मेरी तो इस्लामाबाद की फ्लाइट थी, मेरी पैकिंग, मैं जा रहा हूँ एक घंटे में। कहा ना, जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट। कहा ना, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कपड़े बदल के बाहर आओ। बैग पैक हो गया जी। सही नहीं हुआ बात, दोबारा करो। दानियाल क्यों मीटिंग कैंसिल करके जाएगा, उसे लेके जाइए जिसकी वजह से हम सब मुसीबत में फंसे। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा और मैं आपको मनमानी करने नहीं दूंगी। दानियाल को भी पूरा हक है अपनी जिंदगी गुजारने का। उसकी इस मनमानी की वजह से एक नीच खानदान को हमें गले का हार बनाना पड़ा, मत भूला करो ये बात। दानियाल तो शुरू से ही सादा है, इसीलिए तो खानदानी सियासत में फंस कर रह गया, और वो आपका भतीजा जिसने खानदान का नाम रोशन किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप जैसे लोग ही होते हैं जो दूसरों की औलाद को तरजीह देते हैं और अपनी औलाद को कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो तुम? वही कह रही हूं ना, जो सच है। आपने कभी दानियाल को सपोर्ट किया जैसे आज आप वली को करते? वली की ढाल बन सकते हैं तो दानियाल की क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे लिए खानदान की इज्जत सबसे अहम है, इसलिए मैं इससे आगे ना कुछ सोच सकता हूं और ना ही सुन सकता हूं। समझ आई? और पर्दे खोल दो। वली, बली उठो बेटा, नाश्ता करो। तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनवाया, आलू के पराठे। मुझे भूख नहीं है बेटा,
खाने से क्या नाराजगी? रात को भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था, उठो। जो बेइज्जती मेरी हुई है माँ, उसके बाद मेरे गले से कोई निवाला उतरेगा क्या? और सोच लिया है मैंने, मुझे नहीं रहना इस घर में। बली, जो हालात इस वक्त हैं, तुम्हें उनका अंदाजा नहीं है। टीवी नहीं देख रहे ना, इस वजह से तुम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कितने परेशान हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिद और अना की पड़ी रहती है हर वक्त। क्या कह रहे हैं मीडिया वाले? कुछ नहीं कह रहे, तुम नाश्ता करो। तुम्हारे चाचा गए ना, सब कुछ संभाल लेंगे। क्या कह रहे हैं अभी लोग? रिमोट कहाँ है? वली, वली, रिमोट कहाँ है? वली, पहले तुम नाश्ता करो, फिर उसके बाद हम इस मौजू पे बात करेंगे। चलो यहाँ बैठो आके मेरे पास, सुकून के साथ। कैसे सुकून से बैठ जाऊं मैं माँ? जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो भुला नहीं पा रहा हूं मैं। माँ, मेरा दिमाग फट रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे सुकून नहीं आ रहा। ना आप लोग मुझे घर से बाहर जाने दे रहे हैं, ना मुझे बता रहे हैं कि बाहर हो क्या रहा है। कम से कम मुझे बताएं तो सही माँ। वली, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुमसे जो कहा जा रहा है वो कर। और एक अहम खबर शामिल करेंगे। वली असवंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई। और एक अहम खबर शामिल करते हैं। वली असवंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई। गुजर गए साल तांवी, अधूरे निसार सवाल तांवी, पता है कि नारजमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद।